वेलकम टू सिंपल स्टाइल व्लॉग यूट्यूब चैनल. कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे. अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. संडे का दिन है, मॉर्निंग का टाइम है. मैंने सोचा आपके साथ क्यों ना एक मॉर्निंग रूटीन किया जाए. बाकी दिन तो मैं ऑफिस में बिजी रहती हूँ, तो आपके साथ एक व्लॉग नहीं शेयर कर पाती हूँ. बोले मेरी बेटी उठ चुकी है, अभी बचे हैं 8:30. और अभी लाइटिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि मैंने जो है लाइटिंग के मतलब लाइटिंग नहीं कर रखी है, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करना. तो हम सब उठ चुके हैं, 8:30 हो चुके हैं और हस्बैंड अभी दिल्ली से बाहर हैं, तो आज आने वाले हैं. तो मैं सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये पूरा व्लॉग आप लोग के साथ शेयर करूंगी. तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा. तो चलिए व्लॉग शुरू करते हैं. तो मेरा घर ना पूरा फैला हुआ है और मेरी सबसे छोटी वाली सिस्टर आ रखी है, इसका नाम स्वाति है. और इसका भी एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है, मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. आप जाकर के जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, विजिट करें वीडियो अगर पसंद आता है तो. मैंने ऑलमोस्ट जो है ना चाय चढ़ा दिया है और थोड़ा बहुत खाना प्रिपेयर कर लिया है, दाल वगैरह, बट मैं अभी तक फ्रेश नहीं हुई हूँ, तो उसके पहले फ्रेश होती हूँ और आप लोगों के साथ वही वाला रूटीन ब्लॉग जो है शेयर करती हूँ. तो मैं मॉर्निंग में सबसे पहले उठ करके चाय चढ़ाती हूँ, फिर इसके बाद ब्रश करती हूँ. मेरा सबसे ज़्यादा मेन जो होता है, सबसे पहले सुबह उठते ही मैं ब्रश कर लूँ, क्योंकि मेरे से रहा नहीं जाता है. अगर मैं ब्रश नहीं करती हूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब एक अनईजी सा फील होने लगता है. तो मैं सबसे पहले ब्रश करती हूँ और फिर चाय पीती हूँ, उसके बाद कुछ और काम करती हूँ. तो मैंने चाय चढ़ा रखी है और दाल मेरी बन चुकी है. जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा आधा खाना प्रिपेयर हो चुका था, तो मेरा दाल बन चुका है और चाय मेरी खोल रही है. मैं थोड़ी कड़क चाय पीती हूँ. तो मैंने भिंडी धो करके रख लिया था, मैं आलू भिंडी की सब्जी बनाने वाली हूँ. तो मैं यहाँ पे भिंडी जो है इस तरह से काट के रख रही हूँ, और इसके बाद जब मैं चाय पी करके आऊँगी तब तक भिंडी में जो थोड़ा सा गीलापन होगा वो जो है सोख लेगा. तो मैं इस तरह से सारी भिंडी काट करके रख लूँगी. और मेरी चाय बन चुकी है, तो मैं यहाँ पे 2 कप चाय छानूंगी. मैं और मेरी सिस्टर दोनों जो है चाय पियेंगे. तो जब साथ में कोई होता है चाय पीने का तो उसका मज़ा ही अलग हो जाता है. तो मैं यहाँ पे ना आराम से बैठ करके सुबह की चाय बड़े आराम से चाय पीती हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि पूरा दिन तो काम ही लगा रहेगा, काम ही होता रहता है कुछ ना कुछ. तो सुबह की चाय मैं बहुत तसल्ली से पीती हूँ. और मैं सबसे पहले सुबह जो है चाय पीने के साथ साथ मैं चाय फ़ैन लेती हूँ, और इसके बाद हॉट स्टार पर मैं उस दिन का जो है सीरियल देखती हूँ, जो स्टार प्लस पर सीरियल आते हैं अनुपमा और ये सब, वह सारा सीरियल देखती हूँ चाय पीते पीते. और मेरी बेटी भी इंजॉय करती है चाय और फ़ैन. तो जब जैसे मैं और मेरे हस्बैंड चाय पीते हैं तो नेहल क्या करती है, वो अपने पापा के साथ ही चाय फ़ैन खाती है. मेरे पास बिल्कुल भी नहीं आएगी चाय फ़ैन खाने के लिए, तब वो अपने पापा के साथ ही चाय फ़ैन खाती है. बट आज उसके पापा थे नहीं घर पर, तो वो मेरे साथ चाय फ़ैन खा रही है और वो बहुत ही इंजॉय करके चाय फ़ैन खाती है. और जब तक ख़त्म नहीं हो जाता तब तक वो हटेगी नहीं, और बहुत ज़्यादा उत्पादी हो चुकी है. मतलब बहुत ज़्यादा मतलब शरारत करने लग गई आजकल तो. जो भी मतलब आजकल तो उसको सब कुछ चाहिए, और टेबल पर चढ़ जाएगी अपने आप ही, और उसको उतारते रहूँ तो नहीं उतरती रहती है, बहुत ज़्यादा तंग करती है. सोफे पर चढ़ जाएगी उसको, और बेड पे जब हम लोग अगर बेड पे बैठे हैं तो बेड पे बैठेगी, और अगर हम नीचे हैं तो नीचे उतरने की जिद करेगी, और नहीं उतारेंगे तो खुद उतरने की कोशिश करती है और उतर भी जाती है कई बार. तो इस तरह से वो मतलब बहुत ज़्यादा उत्पाती हो गई है. बट जो भी है बच्चे शरारत तो करते ही हैं. तो मैंने यहाँ पर जो है जब भिंडी काट के रख लिया था, तो अब मैं यहाँ पे आलू छील लूँगी. तो मैं यहाँ पे आलू उबले हुए यूज़ नहीं करूँगी, मैं यहाँ पे जो है ना आलू कच्चे आलू ही मतलब मैं फ्राई करूँगी. तो मैं यहाँ पे छील लूँगी सभी को आलू को. तो मैंने यहाँ पे 3 आलू यूज़ कर रही हूँ. और इसके बाद जो है कढ़ाई गर्म कर लूँगी मैं, और लहसुन काट के रख लूँगी जो मैं सब्जी में और दाल फ्राई मतलब दाल छोंकने के टाइम पे करूँगी, क्योंकि दाल बन चुकी है मेरी. तो मैं यहाँ पे आलू काट कर धो लूँगी. तब तक मैंने जो है तेल गर्म करके सरसों का फ़ौरन डाल करके मैंने भिंडी डाल दिया है उसको फ्राई करने के लिए. और मैं यहाँ पर दाल को जो है दाल का छोंका तैयार करूँगी. तो मैं यहाँ पर दाल जो है ना गाढ़ी दाल लेना प्रेफर करती हूँ, गाढ़ी दाल ही बनाती हूँ मैं. और मैं यहाँ पे कस्तूरी मेथी और जो है टाटा संपन्न का दाल तड़का मसाला यूज़ करती हूँ, उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा लाजवाब हो जाता है. और मैं जो है ना मतलब लाइक इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है, दाल खाने का अलग ही मज़ा होता है. तो मैं ये कहूँगी कि एक बार आप लोग भी ट्राई करो. और मैं यहाँ पर जो है आलू भी डाल दूंगी, और इसके बाद जो उसको ढक करके मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी गोल्डन ब्राउन होने तक. और तब तक मैं यहाँ पे कोरच भी गर्म हो चुका है फ्राई मतलब जो दाल का तड़का लगाना है, तो इसमें मैं तेल डाल करके जीरा का फ़ौरन लगाऊंगी, और मतलब यहाँ पे सूखी लाल मिर्च और लहसुन डाल करके तड़का लगाने वाली हूँ दाल में. और मैं यहाँ पर प्याज काट रही हूँ,
आलू और भिंडी की सब्जी के लिए। तो मैं यहाँ पे जो है दो प्याज काट रही हूँ, इसके बाद मैं टमाटर काट लूँगी। मैं जो है ना अलग से फ्राई नहीं करने वाली हूँ, इसी को आलू भिंडी जब फ्राई हो जाएंगे तभी उसी के ऊपर से मैं प्याज डाल दूँगी और साथ में फ्राई करने वाली हूँ। और यहाँ पे जो है टमाटर काट लूँगी, तो मैंने एक ही टमाटर लिया है। तो मेरी बेटी भी रसोई में बार बार आती जाती है मेरे पास, तो ये बार बार जो ना थोड़ा सा कैमरा इधर उधर हो रहा है तो वो बेटी ही कर रही थी, तो वो भी रसोई में आती रहेगी, कभी आलू छुएगी कभी प्याज छुएगी तो कभी खड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है मैंने प्याज टमाटर उसी पे डाल दिया है मैंने, आलू भिंडी की सब्जी, आलू भिंडी जब फ्राई हो गया था, और प्याज टमाटर सब कुछ, और नॉर्मल मैंने मसाले डाले हैं जैसे लाल मिर्च, धनिया पाउडर और हल्दी, नमक, ये सब डाला है। तो दाल तड़का तैयार हो गया था, अब मैं इसको अलग करके रख लूँगी। तो यहाँ पे मेरी जो आंटी हैं जो यहाँ मेरे यहाँ काम करने के लिए आती हैं वो भी आ चुकी हैं। तो यहाँ पे मैं निहल को सेरेलेक पिलाने के लिए मैं यहाँ पे दूध गर्म करूँगी यहाँ पर, क्योंकि वो सुबह से उठी थी तो सिर्फ चाय और फैन और या मेरा फीड कर रखी थी उसने, बट मैं यहाँ पे उसको मैं दूध पिलाऊंगी सेरेलेक। और मेरी जो काम वाली आंटी आ गई हैं तो मैं जल्दी जल्दी फटाफट से जो है आटा गूंद करके वो बर्तन फ्री कर दूंगी। रोटी मैं बाद में बनाऊंगी जब सब खाने के लिए बैठेंगे, या मैं बना करके बाद में रख दूंगी, पर मैं अभी जो है आटा गूंद करके रख लूंगी जिससे आटा जो है थोड़ा सा ढीला हो जाए। और दूध भी गर्म हो गया है निहल के लिए, तो मैं फटाफट से आटा गूंद करके आंटी को बर्तन दे दूंगी। तो मैं सुबह क्या करती हूँ, निहल उठती है तो मैं अपना फीड कराती हूँ, उसके बाद वो थोड़ा बहुत चाय फैन खाती है अगर वो जगी रहती है, नहीं तो उसके बाद उसको मैं दूध सेरेलेक बना करके देती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद दलिया देती हूँ। तो ये सारा रूटीन चलता ही रहता है। मैंने आपको बताया ना, काम कभी नहीं ख़त्म होता, एक बार आँख खुल जाए तो कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है, पूरा दिन लगा रहता है। मेरा यहाँ पे आटा गूंद करके तैयार हो गया है, मैंने सेरेलेक भी बना दिया है। दूध पीने में तो इतना ड्रामा करती है ना, कुछ कहने नहीं निहल का, जब क्या कहते हैं उसको दूध पीते वक्त कभी पोएम चाहिए, कभी कोई उसके लिए नाचे, कभी कुछ करे। तो अभी यहाँ पे मैंने उसके लिए एक पोएम लगाया, अभी डोरेमोन सुन रही है, पीछे जो है वो गुब्बारे वाला सुन रही थी, और अभी चार्जर दे रखा है। तो इसी तरह से बहुत तंग करती है दूध पीने में, फाइनली वो पी लिया उसने, और अभी तो उसको दांत वगैरह भी आ रहे हैं तो थोड़ी सी मतलब इरिटेट रहती है और थोड़ा परेशान रहती है, और वो भी मुझे भी परेशान करती है दूध वगैरह पीने के लिए। तो यहाँ पे अब वो खेल खेल रही है, बिजी हो रखी है, उसका पेट फुल हो गया। और यहाँ पे मैं अब बिस्तर झाड़ूंगी, क्योंकि जो है मॉर्निंग में हम बेड वगैरह अच्छे से साफ वाफ करके रखते हैं, तो मैं यहाँ पर प्रॉपर बिस्तर जो है चादर वगैरह झाड़ लूँगी, क्योंकि मैंने चादर जो है एक दिन पहले ही बिछाया था। तो मैं इसको जो है झाड़ करके इसमें जो भी डस्ट वगैरह है वो सब हटा दूँगी। और यहाँ पे जो है आंटी मेरी हेल्प कर रही हैं चादर वगैरह समेटने के लिए, अच्छे से लगाने के लिए। तो आंटी जो है वो यहाँ पर आकर के बर्तन और झाड़ू पोछा करती हैं, इसमें बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो जाता है झाड़ू पोछा बर्तन में, क्योंकि निहल को निहल मतलब ये सारा काम करते करते साथ साथ निहल को भी संभालना मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। और ये सब पता नहीं पहले कैसे मतलब मम्मियाँ कर लेती थी, बट अब जो है बहुत ज़्यादा टास्क हो जाता, मतलब मल्टीपल टास्क हो जाता है हमारे लिए। और ये भी होता है कि ऑफिस के अब 5 डेज ऑफिस रहते हैं तो 2 दिन ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कम से कम बर्तन रसोई पोछा से मतलब थोड़ा सा रिलैक्स फील करे, इसलिए आंटी आती हैं तो हेल्प बहुत बड़ा हेल्प हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे रजाई वगैरह फोल्ड करके रख दिया है, जब किसी को अगर लेना होगा तो वो ले सकता है। तो यहाँ पे हस्बैंड जी आ चुके हैं, पतिदेव आ गए हैं, तो मैं यहाँ पे दूध गर्म कर रही हूँ। तो उनको मैगी खाना था, उनको चाय नहीं पीना था, उनको थोड़ा सा मतलब क्रेविंग सी हो रही थी कि मतलब भूख सी लगी है, तो मैगी बना दो तब तक के लिए। तो मैंने यहाँ पे मैगी चढ़ा दूँगी 3 पैकेट, और दूध उबालने के लिए रख देता, क्योंकि दूध जो है ख़त्म हो चुका था। फिर निहल को दोबारा से फिर जो है सेरेलेक वगैरह देना होता है, क्योंकि अब जो है निहल मेरे फीड पे वो उतनी सेटिस्फाई नहीं होती, उसका पेट जो है खाली रह जाता है। तो इसलिए मैं उसको हर 2 घंटे पे, 1 घंटे पे, 1.5 घंटे पे, या मैं मतलब मैक्सिमम उसको आधे आधे घंटे पे कुछ ना कुछ देती ही रहती हूँ, चाहे वो चॉकलेट होता है या मतलब फ्रूट्स होते हैं, कुछ ना कुछ चिप्स वगैरह या कुछ भी, मतलब उसका जिस तरह से उसका मुंह चलता रहे तो कम से कम एटलीस्ट उसका पेट जो है वो फुल रहे। अब मैं यहाँ पे साथ के साथ जो है रोटी बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैं रोटी बना के रख दूँगी। तो यहाँ पर मैं मतलब सारी रोटी बना कर के रख लूँगी, जब मतलब खाने की बारी आएगी तो मैं मतलब सर्व कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं रोटी जो है मेरी रोटी को छोड़ कर के मैं
अपनी सिस्टर और जो पति देव है उनकी रोटी पे घी लगा दूंगी। और मैं हमेशा किचन जो है ना बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना पसंद करती हूँ, मुझे बिल्कुल भी गंदी चीज़ अच्छी नहीं लगती। मैं मतलब साफ़ सफाई में और ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा मतलब केयर करने की कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँ कि घर साफ़ रहे। बट जब से निहल हुई है तब से घर को थोड़ा मैनेज करना बहुत ज़्यादा टफ हो गया है। आप लोगों के लिए भी हो गया है क्या? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, या आप कैसे मैनेज करते हो उसके लिए थोड़ा सा टिप्स मुझे देना कमेंट करके, तुम मत भूलिएगा। तो मैंने यहाँ पे जो है मैगी तैयार हो गई है, दूध भी उबल गया है। और यहाँ पे जो है मैगी में मैं जो है ना सिंपल मैगी बनाया, मैंने वेजिटेबल मैगी नहीं बनाई क्योंकि मेरे पास उस समय मटर वगैरह कुछ नहीं थे, प्याज था। बट मैं सोच रही थी कि मैं सिंपल मैगी बना दूँ, तो सिंपल मैगी पे मैंने ऊपर से मैगी मसाला और हरी मिर्च काट करके डाल दिया, तो वो हमने खा लिया। और इसके बाद यहाँ पे जो कपड़े मैंने कल धोए थे वो सूख गए थे, तो कुछ कपड़े जो है ना प्रेस के लिए जाते हैं आयरन के लिए, तो वो मैं अलग करके रख दूँगी एक पोटली में और फिर मैं थोड़ी देर बाद जा करके दे आऊँगी। और जितने भी सोफ़े पे कपड़े बच जाएंगे मैं उसको तह लगा रही हूँ यहाँ पर, तो बहुत कपड़े हो जाते हैं हद से ज़्यादा, क्योंकि 5 डेज़ बहुत टफ होता है, कपड़े वगैरह नहीं धुल पाते हैं। तो एक दिन मतलब सैटरडे वाला दिन ऐसा होता है कि बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, फिर उसको मैनेज करना मतलब बहुत ज़्यादा टास्क हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने सैटरडे वाले दिन सारे कपड़े धो लिए थे तो सूख गए, और संडे वाले दिन मैंने उसको तह वगैरह लगा दिया। तो ये घर देख रहे हो अब कितना फैल गया है, कोई कहेगा झाड़ू पोछा कर हो रखा है इस घर में, बट बहुत ज़्यादा फैला हुआ है ये घर। तो मैं उसको प्रॉपर मतलब मैनेज करूँगी। जो ये सामने आप देख रहे हो ना, मैं यहीं पर बैठ करके शूट करती हूँ। और ये टेडी बियर जो है निहल के बर्थडे पे उसकी मौसी ने गिफ्ट किया था। यहाँ पे आधी ज़्यादा चीज़ें जो हैं गिफ्टेड ही हैं, जैसे ये टेडी बियर और ये बैलून वगैरह। अभी तक डेकोरेशन काफ़ी हद तक नहीं हटे हैं जो सीलिंग वगैरह पे लगे हैं, तो शीशा बहुत गंदा हो गया था, तो मैं यहाँ पे कॉलिन वगैरह यूज़ करती हूँ शीशे को साफ़ करने के लिए। तो यहाँ पे मेरा जो है ना सारा काम हो चुका है, मैं नहा भी चुकी हूँ, और जो है कल थोड़े से कपड़े रह गए थे धोने के लिए तो वो भी धो लिए मैंने। अब मैं यहाँ पे अपना स्किन केयर करूँगी, और अभी बज रहा है 1, फिर 3 बजे तक जा करके दिन का खाना खाएंगे। जो मैं नॉर्मली करती हूँ, तो बेसिकली मैं यहाँ पे टोनर यूज कर रही हूँ, ये गुड वाइब्स का टोनर है, और इसका सिर्फ 1-2 स्प्रे अपने फेस पे जो है ना स्प्रे करूंगी। यहाँ मामा अर्थ का ना फेस सीरम यूज कर रही हूँ, थोड़ा सा ही लूंगी। मैं सेम रूटीन अप्लाई कर रही हूँ जो मैंने एक बार और वीडियो अपलोड किया था उसी से, और ये गुड वाइब्स का मैं ऑरेंज जेल अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि ठंडी में अपने स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और अभी मैं घर में ही हूँ, मैं शाम तक ही शायद मैं कहीं बाहर जाऊंगी, तो मैं उसके बाद अपना चेंज करूंगी, और अगर मुझे मेकअप की रिक्वायरमेंट लगेगी तो मैं मेकअप करूंगी, अदरवाइज नहीं करने वाली, क्योंकि मैं ऑल टाइम जो है ना मेकअप अपने फेस पे लगा के नहीं रखती हूँ, मैं अपना फेस बिल्कुल नेचुरल रखती हूँ। तो इसलिए क्योंकि मैं अपनी स्किन को बहुत ज्यादा लाइक मतलब एक जरूरी अहमियत समझती हूँ, और उसकी बहुत अच्छे से केयर करना मतलब लाइक ऐसा लगता है कि मुझे उसकी केयर बहुत अच्छे से करनी चाहिए, क्योंकि विंटर्स हो चाहे समर्स हो स्किन स्किन होती है, और उसको हर वक्त मतलब हाइड्रेट रखना हमारी जिम्मेदारी होती है। यहाँ पे गुड वाइब्स का यहाँ पे सनस्क्रीन अप्लाई करूंगी फेस पे, जितना हमारा फेस स्किन इम्पोर्टेंट है उतना ही हमारे हाथों पैर होते हैं, क्योंकि ठंडी में बहुत ज्यादा जो है ना स्किन बहुत ज्यादा जल्दी ड्राई हो जाती है। तो मैं यहाँ पे जो है निविया का एलोवेरा हाइड्रेशन बॉडी लोशन अप्लाई कर रही हूँ, इसके साथ मैं यहाँ पे ग्लिसरीन अप्लाई करूंगी, ग्लिसरीन के थोड़े से मैं ड्रॉप्स लूंगी, ग्लिसरीन हमारी स्किन को ना मतलब जल्दी जल्दी ड्राई होने से बचाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे ग्लिसरीन अप्लाई करती हूँ अपने फेस मतलब अपने हाथ और पैरों पे। मैं ग्लिसरीन रात में सोते समय अपने फेस पे लगाती हूँ, क्योंकि जो ग्लिसरीन है ना वो बहुत ज्यादा ऑयली हो जाता है, थोड़ा सा ऑयल इसमें स्ट्रक्चर होता है, इसलिए अदरवाइज जो ग्लिसरीन का जो वर्क है जो रोल है और फेस पे लगाने के बाद जो फेस पे अच्छा ग्लो मिलता है मॉर्निंग में उठने के बाद, क्योंकि बहुत ज्यादा रेस्ट मिल जाता है हमारे फेस को, तो वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ जाता है जब मैं ग्लिसरीन लगा के सोती हूँ। तो इस तरह से, और मैं रात में भी अपने हाथ और पैर में ग्लिसरीन लगाती हूँ, तो जितने भी मेरे पैर में जो क्रैक्स होती हैं, जो मतलब ड्राइनेस होती है, वो अच्छे से रिकवर हो जाती है इस ग्लिसरीन से, क्योंकि रात में बहुत हमारे पास बहुत लंबा टाइम होता है रात को मॉर्निंग तक, तो इस वजह से तो ग्लिसरीन एक हमारे पार्ट मतलब अपनी लाइफ में एक पार्ट होना चाहिए ग्लिसरीन का,
और वो आप जरूर यूज करो। अगर मैं कहूंगी आपको रिकमेंड करूंगी, लिस्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, तो अगर आप यूज करते हैं तो आप खुद पे खुद रिजल्ट देखेंगे। ऐसे मेरी बेटी बहुत ज्यादा तंग करती है, यहाँ पे चढ़ जाएगी सोफे पर और इस तरह की सारी लाइट वगैरह जो है ना वो छूती रहेगी। और इस जैसे मैंने प्लांट मैंने यहाँ पे लगाया, एक लीज से स्टार्ट किया है और इसमें सारे में पानी है और ये मतलब वहां खड़े हो जाएगी और इसको छूती रहेगी और डर लगता रहता है कि कहीं गिर ना जाए, और इस तरह से वो करती भी है। तो मैं इसको ना हटाने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ, बट ये हटती नहीं है। अब बड़ी हो चुकी है, 1 साल की हो चुकी है। 1 साल से याद आया, मैंने इसका बर्थडे सेलिब्रेट किया था और मैंने वीडियो नहीं बना पाई थी, तो मैं इसलिए आप लोग के साथ वीडियो नहीं शेयर कर पाई। बट इससे कुछ फोटोग्राफ्स हैं, कुछ वीडियोस हैं जो मेरे पास हैं और मुझे लगता है आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए, तो मैं उसका जल्दी एक वीडियो लेकर के आने वाली हूँ। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी दबा लो, जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए मेरी वीडियोस की। और अगर आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, और आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपके साथ मैं और भी व्लॉग्स शेयर करूंगी, डे का, नाइट का, सबका मैं आप लोग के साथ व्लॉग शेयर करूंगी, तो आप प्लीज मेक श्योर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी तो बज रहे हैं 1, मैं आप लोग के साथ दोपहर का जो है ना डे व्लॉग नहीं कर पाऊंगी, मैं अब आप लोग के साथ नेक्स्ट डे करूंगी, कभी दोपहर का व्लॉग करूंगी आप लोग के साथ। तो उसके लिए आप लोगों को मेरे चैनल पे बने रहना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना ना भूलें, इंस्टाग्राम की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हम तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।